फाइनली दोस्तों सुबह के 10:30 बजे हम पहुंचे हैं कच्ची गुड़ान मेन स्टेशन। पूरा ट्रेन ऑलमोस्ट मतलब पूरा कोच ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, काफ़ी सारे पैसेंजर्स उतर चुके हैं। यहाँ पे ट्रेन चल रही है 2 घंटे की देरी से। नेगेटिव चीज बस एक ही है कि यहाँ पे नाश्ता करने का बहुत ज़्यादा कोई स्कोप मिला नहीं है। अगर ट्रेन टाइम पर चली तो 3 से 4 घंटे में हम पहुँच जाएंगे कुरनूल, और फिर कुरनूल पहुँच के देखते हैं आज शूट हो पाएगा या कि नहीं हो पाएगा। कह नहीं सकते कि 12:30 का टाइम है और ट्रेन तकरीबन 2 घंटे की देरी से चल रही है, तो प्रॉबेबली मैं 2:30 बजे तक पहुँचूंगा कुरनूल और फिर वहाँ से आगे शूट हम कर पाएंगे या नहीं बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। देखते हैं क्योंकि किरण भी आने वाला है, तो किरण आएगा विशाखापट्टनम टू कुरनूल बाई फ्लाइट, जिसकी फ्लाइट लैंड करेगी तकरीबन 3:30 बजे। मैं पहुँचूंगा 2:30 बजे, तो लेट सी अगर मैं 3:30 को उसको पिकअप करके फिर वापस शूट कर पाऊँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो पहले ये देखना है कि ट्रेन यहाँ से निकलती कितने बजे, उसके बाद कुरनूल पहुँचे कितने बजे, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताता हूँ। आगे सुबह के 10:40 हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज़्यादा का डिले हो गया है कच्चेगुड़ा रेलवे स्टेशन पे। हैदराबाद के आसपास दोस्तों 2-3 मेजर स्टेशन है इसमें कि एक शायद हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन है और एक आएगा सिकंदराबाद है और एक कच्चेगुड़ा है। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग स्टेशन को बनाया गया है। ये ट्रेन आती है कच्चेगुड़ा में, सिकंदराबाद नहीं जाती है। यहाँ से आगे 2 स्टेशन और है, मतलब इन बिटवीन एक ही स्टेशन है महबूब नगर। सेम अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो महबूब नगर एक स्टेशन है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आएगा कुरनूल सिटी और यहाँ से तकरीबन 4 घंटे का समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं तकरीबन 2:30 बजे के आसपास पहुँचूंगा कुरनूल सिटी। वो भी डिपेंड करता है कि कितने बजे ट्रेन यहाँ से निकलती है। अभी तक ट्रेन यहाँ से निकली नहीं है, तो जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा है, लेकिन फिर टाइम पे पहुंच जाओ तो टाइम पे थोड़ा खाने पीने का ऑप्शन भी मिल जाए। और ट्रेन जितना लेट पहुँचेगी हम उतना देर भूखे रहेंगे, क्योंकि ट्रेन में जो खाना मिलता है ना वो इतना अच्छा होता नहीं है और मेरा ट्रेन में खाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस वेट कर रहा हूँ जितनी जल्दी मैं कुरनूल पहुँच जाऊँ तो बाहर जाके किसी रेस्टोरेंट में थोड़ा टाइम का खाना खा लें ताकि बाकी का दिन अच्छा बीते। किरण आएगा 3:30 बजे तक, फिर मैं कोशिश करूँगा अगर मैं टाइम पर पहुँच गया तो मैं स्टेशन से जाऊँगा एयरपोर्ट, वहाँ से किरण को पिकअप करूँगा। और प्रॉबेबली अगर आज के दिन में थोड़ा बहुत मौका मिल गया अंधेरा होने से पहले तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ एरिया तो शूट करूँगा। अनफॉर्चुनेटली वो सारा वीडियो अपलोड तो नहीं कर पाऊँ क्योंकि वो सब कुछ अपलोड करने के लिए एक एडिटिंग करना पड़ेगा मुझे और वो सारा सिस्टम हो सकेगा घर पे। तो यहाँ पे पूरा फुटेज हम इनपुट करेंगे, उसके बाद 3 से 4 दिन बाद हम घर जाएंगे, फिर आगे एडिटिंग करेंगे, फिर उसके बाद अपन सारे वीडियोज़ को देख पाएंगे। अब देखते हैं कितने बजे ट्रेन यहाँ से निकलती है, फिर उसके बाद अपन की स्टोरी बताते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे एक और चीज़ पता चला है कि अब क्योंकि ये ट्रेन जो है ना जाती है कोयम्बटूर तक, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये इन्होंने कि यहाँ पे जितने भी एसी में जो अटेंडेंट है वो लोग हिंदी नहीं समझते हैं या फिर इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं ज़्यादा, और वो सिर्फ तमिल बोलते हैं, तेलुगु भी नहीं बोलते भाई साहब, वो तमिल बोलते हैं। तो जो लोग आंध्र प्रदेश के हैं वो लोग भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग दिल्ली से महाराष्ट्र से और बाकी स्टेट से आ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। किसी को बेडवॉल चाहिए तो या उसको समझा भी नहीं पाऊंगा कि मेरे को क्या चाहिए। अब उसे कुछ पूछ रहे हो तो इज लाइक ओनली तमिल, नो हिंदी, नो तेलुगु, नो इंग्लिश, मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात तो है भैया कि हम सिर्फ अगर कोई तमिल ही बोलेगा तो फिर कैसे कम्युनिकेट हम कर पाएंगे। तो अभी रिसेंट अभी मैंने देखा एक पर्सन आया था, वो उसको तेलुगु आता था भैया लेकिन उसको तमिल नहीं आता था, तो ये बहुत बड़ा इशू है यार। साउथ इंडिया में रह के भी अगर आप तेलुगु और तमिल में कन्फ्यूज़ हो जाओ तो फिर क्या ही बात है। ऐसा भी मत करोगे यार बंदा सिर्फ तेलुगु ही बोले, ऐसे ही लोगों भी ठीक है। थोड़ी देर के बाद आंध्र प्रदेश क्रॉस हो जाएगा, वहाँ से फिर तमिलनाडु में इंटर कर जाएंगे। आई बिलीव कोयम्बटूर शायद तमिलनाडु में आता होगा। अभी ठीक है, अपना इतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि हर चीज़ आपको बता पाऊँ। अभी मैं सोच ही रहा था कि नाश्ता करो और इतने में मुझे मिल गया ये फ्रूट पैक। अभी मैं लग दो पैकेट ले लिया तो इसी से मैं करूँगा फिलहाल नाश्ता। 30 रुपीज़ का एक है और अच्छी बात है कि भैया स्कैनर यूज़ करते हैं, तो मैंने उनको फ़ोन पे कर दिया और अनफॉर्चुनेटली मैं कैश लेके ट्रैवल करना भूल गया हूँ, जो कि मेरे साथ हमेशा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर अभी हम फ्रूट्स का नाश्ता करेंगे और देखते हैं ट्रेन कितने बजे निकलती है, क्योंकि अभी तक तो गाड़ी निकली नहीं है और अभी टाइम हो गया है 10:48। अभी तक ट्रेन कच्चेगुड़ा में ही खड़ी है, कितना डिले होगा पता नहीं है। अभी और कितना टाइम लगेगा कहना मुश्किल है यार, काफ़ी तकरीबन 1 घंटा होने वाला है कच्चेगुड़ा में ये ट्रेन खड़ी है। इंडियन रेलवे थोड़ा ध्यान दो यार इस चीज़ के ऊपर, इतना भी ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। कॉन्गो एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से चल रही, 12:30 का टाइम है, तो मुझे लग रहा है 3:30 बजे तक पहुँचूँगा कुरनूल रेलवे स्टेशन।
तो फाइनली 11:18 पे निकली है हमारी 12648 कॉन्गो एक्सप्रेस कच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन से, और यहाँ से तकरीबन 4 घंटा लगेगा, नियरली 200 किलोमीटर का आसपास का डिस्टेंस है, और 4 घंटा हमको लगेगा यहाँ से कुरनूल पहुँचने में, और 4 घंटा भी तब लगेगा अगर ट्रेन सही से चलेगी तो। तो कुछ ऐसा होता है बिहाइंड द सीन जब आप ट्रैवल करते हैं एक वीडियो शूट करने के लिए। तो रास्ता भी बच रहा है दोपहर का 12:56, ऑलमोस्ट 1 बज गया है, 12:30 का टाइम था इस ट्रेन का कुरनूल पहुँचने का, लेकिन ऑलमोस्ट आई थिंक हम 3 घंटे की देरी से चल रहे हैं, और मुझे लगता है मैं 3:30 बजे तक पहुँचूंगा कुरनूल स्टेशन। अभी जो मेरे रेलवे स्टेशन पर उसका नाम है महबूब नगर, अब किसके महबूब का नगर है आई डोंट नो, बट इस स्टेशन का नाम है महबूब नगर और नेक्स्ट स्टेशन आएगा कुरनूल। और करंटली अपडेट ये है कि किरण भी विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पहुँच चुका है, और 1:30 में वहाँ से उसकी जो फ्लाइट है वो डिपार्ट होकर अराइवल टाइम है 3:30 का, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का जर्नी है विशाखापट्टनम टू कुरनूल एयरपोर्ट। तो अभी देखते हैं कितने बजे हम पहुँचेंगे कुरनूल, और वहाँ पर क्योंकि ओयो अवेलेबल नहीं है, जूम कार अवेलेबल नहीं है, तो हमें वहाँ पे कार अरेंज करना पड़ेगा, कौन सी गाड़ी हमें मिलती है ये वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं। या महबूब नगर से तो गाड़ी निकल चुकी है और आगे फिर कुरनूल स्टेशन देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आगे आपको अपडेट करेंगे। कोशिश करेंगे आज शाम में अगर हमें टाइम मिल जाता है तो हम डेफिनेटली सूरत चेन्नई एक्सप्रेस वे का एक ग्लिम्स आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन है बट काफ़ी छोटा है, और यहाँ से हम निकलेंगे बाहर और फिर आगे जाके हमको लेना है ऑटो टू एन होटल। ये यहाँ का होटल, ये है एन होटल, बाहर आई थिंक बारिश हो रहा है जैसा। ये है दोस्तों 1140 रुपये का रूम, एसी रूम है और एसी चलेगा, अभी गए हैं एसी ऑन करने के लिए।
छोटा सा रूम है, एक तरफ टीवी है, ज़्यादा एरिया हॉल हो, डबल बेड है जिस पर दो लोग आराम से सो पाएंगे आई गेस सो। एक छोटा सा टेबल है, इस तरफ वॉशरूम है, इस तरफ टेबल है, यहाँ पे विंडो है जहाँ से कुछ दिखता नहीं है। ओके, उस तरफ वॉल है तो ऐसा कुछ नहीं। ये है बाथरूम, वेस्टर्न बाथरूम है, इधर शावर है, इधर गीजर है। छोटा सा रोल है, रूम की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, नीचे की तरफ सीलन लग गया है, फोन वगैरह भी है और बस ये सारा कुछ स्टोरी है। 1140 का मिला ये रोन। यहाँ पर तो सीन कुछ ऐसा है, मैंने सोचा था कि मैं एयरपोर्ट चला जाऊँ और किरण को पिकअप करके ले आऊँ वापस होटल तक, बट होटल से एयरपोर्ट का डिस्टेंस तकरीबन 22 से 27 किलोमीटर्स का है और नियरली 35 से 45 मिनट का टाइम लगेगा वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर अगर मैं यहाँ से जाना भी चाहूँ तो मुझे 35 टू 45 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ कर्नूल पेरीफेरल रिंग रोड इंटरचेंज के पास, क्योंकि वहाँ पर क्रॉस होता है हमारा सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। एयरपोर्ट नहीं जाने के पीछे रीज़न है क्योंकि वाईजे की फ़्लाइट ऑलमोस्ट लैंड होने वाली है या फिर हो चुकी है कर्नूल एयरपोर्ट के ऊपर। अभी मैं अगर यहाँ से एयरपोर्ट जाता हूँ तकरीबन 40 मिनट का टाइम मुझे लगेगा और किरण को 40 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा मेरे वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसलिए मैंने सोचा किरण अगर वहाँ से एयरपोर्ट तक आ जाता है अकेले तो मैं इस टाइमिंग में थोड़ी बहुत शूटिंग कर सकता हूँ सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का कर्नूल पेरीफेरल रिंग रोड के पास। और जिस लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे एक इंटरचेंज है जहाँ पे दो मेजर नेशनल हाईवे क्रॉस होता है और हमने सुना है कि वहाँ पे एक टनल भी बनने वाला है। देखते हैं वहाँ पे कितना कुछ काम हुआ है और कैसा सीन रहने वाला है। करंटली मैंने ऑटो तो ले लिया है यहाँ से उस लोकेशन तक जाने के लिए, डिस्टेंस सिर्फ 10 किलोमीटर का है, ज़्यादा दूर है नहीं। रिटर्न में क्या ऑप्शन मिलता है वो शूटिंग कंप्लीट करने के बाद आपको बताएंगे। यहाँ पर जितना मैं शूट कर सकता था मैंने कर लिया है और वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। यह है नेशनल हाईवे नंबर 44 जो कुर्नूल सिटी को क्रॉस करता है और सामने ही आप ब्रिज देख पा रहे हैं, ये है NH40 का ब्रिज। अब सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे किरण जा रहा है होटल और मैं हूँ करंटली हाईवे पे। यहाँ से कोई ऑटो रुकने के लिए तैयार नहीं है और ओला उबर और रैपिडो इन लोकेशंस में अवेलेबल नहीं है। मेरा मतलब है सिटी में डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, बट क्योंकि हम हाईवे पे है, सिटी से बाहर है, तो यहाँ पे ओला उबर और रैपिडो जैसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा या फिर पैदल ही चलना पड़ेगा। थैंकफुली थोड़ी देर चलने के बाद ही मुझे एक ऑटो वाले भैया मिल जाते हैं और उनकी लैंग्वेज को नहीं समझते हुए भी मैं उनको ये समझा पाता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है और प्राइसिंग वगैरह भी डिसाइड हो जाती है और मैं ऑटो में बैठ कर निकल जाता हूँ कर्नूल सिटी के लिए। इंडियन नेशनल हाईवे पर कहीं ना कहीं आपको पैच वर्क या फिर मेंटेनेंस का काम चलता हुआ दिखाई दे ही जाता है। पता नहीं हम ऐसा रोड क्यों नहीं बना पाते हैं जो सालों तक सही सलामत रहे। एनीवे, ऑटो वाले भैया ने मुझे ड्रॉप कर दिया समवेयर इन द सिटी और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है मेरा होटल, तो मैंने सोचा पैदल ही चलते हैं, पास का ही एरिया है और किरण ऑलरेडी मेरा वेट कर रहा है आप देखिए। फिर हम दोनों ने प्लान किया कि हमें कल शूट करना है तो हमें चाहिए बाइक या कार। अब कार हमने क्यों नहीं लिया ये मैं आपको आगे बताऊँगा, बट कर्नूल में आपको बाइक रेंट पर मिल जाता है, स्क्रीन का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप कभी भी कर्नूल सिटी जाते हैं तो हमारे चैनल का रेफरेंस पे आपको फर्स्ट राइड पर डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। इनके पास जो बेस्ट बाइक करंटली अवेलेबल थी वो थी होंडा की हॉर्नेट, जो तो हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं इसके अलावा, तो हमने हॉर्नेट को रेंट पे ले लिया। बाइक लेके हम निकल जाते हैं कर्नूल सिटी को एक्सप्लोर करने और यहाँ से हम डिनर वगैरह करके चले जाते हैं वापस होटल के पास।
तो दोस्तों आज का दिन हमारा यहीं पर हो जाता है समाप्त। और आज का पूरा दिन बहुत अच्छा बीता, नहीं मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का जो फुटेज आप देखेंगे जब हम फाइनल वीडियो पोस्ट करेंगे अपने चैनल पे। आई होप कि फाइनल वीडियो पहले आ जाएगा और ये वीडियो बाद में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 का वीडियो स्पेशली देखा होगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है एक बाइक मैंने कहाँ से रेंट पर लिया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, कौन का कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आप भी कभी कुरोल आते हैं तो आप यहाँ पर बाइक रेंट पर ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सेल्फ ड्राइव रेंटल कार्स का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है भी तो वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ता है जो कि 10,000 रुपीज़ का होता है। और 10,000 रुपीज़ हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कार तो रेंट पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा बजट का इशू है। तो हमने लिया है बाइक रेंट पर, और बाइक हमें मिला है तकरीबन 800 रुपये का। हमने रेंट डिपॉजिट पे किया नियरली 3,000 रुपीज़। और कल का हमारा प्लान है कि कल हम यहाँ खुदों से रायचूर तक ट्रेवल करेंगे, और इन बिटवीन पैकेज 2 और पैकेज 1 पूरा शूट करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कितना शूट हो पाता है कितना नहीं हो पाता है, क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी ख़राब है और शाम से ही बारिश हो रही है, अभी भी बाहर बारिश हो रही है। तो मैं जस्ट होप कर रहा हूँ कि कल बारिश ना हो ताकि मैं कल ज़्यादा वीडियो शूट कर सकूँ आपके लिए। और मैं कंट्रोल का वो एन होटल है कुरलून में। इस होटल को ये होटल में मिला है तकरीबन 1140 रुपये के आसपास, वो एक से मैंने बुक किया है और ऑफर वगैरह लगा के 1140 रुपये में ये होटल आपको मिल जाएगा। होटल डिसेंट है बट इसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, सर्विसेज अच्छी नहीं है इन द सेंस मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं अमेनिटीज जैसे कि टॉवल वगैरह टाइम पे नहीं मिलता है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं ओवरऑल डिसेंट है। अगर आपको और कोई ऑप्शन ना मिले तो आप इस होटल में रुक सकते हैं, 1100 रुपये में ठीक ठाक होटल मिल जाएगा ये। तो बस आज का दिन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल का भी बिहाइंड द सीन आपको अन्य वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये बिहाइंड द सीन्स का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारा मेहनत काफ़ी सारा पैसा काफ़ी सारा एनर्जी लग जाता है बोले हर एक वीडियो को शूट करने में। चलिए अभी इस रात के 11:30 बज चुके हैं, मैं बस ये एंड वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, मैं जाता हूँ रूम में पर रेस्ट करते हैं, क्योंकि कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे अगर बारिश नहीं हुई तो हम यहाँ से निकलेंगे रायचूर, जो कि तकरीबन 120 किलोमीटर के आसपास डेढ़ से रायचूर। इन बिटवीन हम वीडियो भी शूट करेंगे, फिर हमें रिटर्न भी आना है, और फिर आगे हमारा प्लान है कि विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे का भी कुछ पार्ट शूट करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ से आगे ट्रेवल करने वाले हैं। अब ये 2 दिन हमारा शूटिंग चलेगा, देखते हैं 2 दिन में कितना कुछ वीडियोज़ मैं आपके लिए शूट कर पाता हूँ। और क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो जो भी एडिटिंग का काम होता है वो मैं वापस घर जाने के बाद ही करने वाला हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा उसमें सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद द अगली वीडियो विद एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड गुड नाइट।